जैन साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। आज की जो क्लास है वो काफी खास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो आने वाली 1 अक्टूबर को जो है वो आरएस प्री का एग्जाम देने वाले हैं। उसी के चलते जो है आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है, यानी प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन को लेके आया हूँ। सबसे मेन जो है इन क्लासेस का जो मेन हमारा मोटो है, यानी मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट रीजनिंग, मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस को छोड़कर आता है वो कहीं ना कहीं इस क्लास को देखने के बाद रीजनिंग, साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन को 100% अटेंड करेगा, ताकि इन सारे क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, किस तरह से आपको उनको सॉल्व करना है, किस तरह से उनको अटेंड करना है, और पूरी की पूरी कोशिश ये करनी है कि आपका प्री क्लियर हो जाए। उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एक बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट भूमिका जो है वो उसमें निभाएं। तो आप जो है इस क्लास को देखिए, प्रीवियस ईयर यानी ये जो आज की क्लास है इसमें 2021 के अंदर जो आरएस प्री का एग्जाम हुआ उसके अंदर कौन कौन से रीजनिंग, मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं एक साथ लेके आया हूँ। कुछ बेसिक चीजें उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरह से उसको अटेंड करना है। तो आप इस क्लास को पूरी देखिएगा, और पूरी देखने के बाद मैं आपको ये सुनिश्चित करवाना चाहूंगा कि आपका इसका फायदा जो है वो आपको 100% जो है वो एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, आरएस प्री विशेष 2021 क्वेश्चन पेपर। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप, दुर्दम मैलिग्नेट मलेरिया होता है। अब यहां पर देखिए, मलेरिया जो है ये मच्छर से होने वाली एक बीमारी है जिसमें जो रोग वाहक है वो है मादा एनाफिलीज। मच्छर का नाम जो है वो क्या है, मादा एनाफिलीज। और ये जो मादा एनाफिलीज जो है ये रोग वाहक है। देखिए दो चीजें होती है, एक रोग वाहक होता है और एक रोग कारक होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। साथ में एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा आप, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये सिंपल सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है कि बैक्टीरिया वाले से होने वाली बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, रोग वाहक और रोग कारक, ठीक है। तो रोग कारक का मतलब जो रोग को पैदा करता है, और रोग वाहक जो रोग को फैलाता है, जैसे मक्खी और मच्छर, तो फैलाने वाले और पैदा करने वाले। तो यहां पर जो है मलेरिया जो है वो क्या है, मादा एनाफिलीज से फैलने वाला रोग है, और रोग कारक जो है वो इसमें क्या है, प्लाज्मोडियम है। रोग कारक जो है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। अब ये जो मलेरिया है ये इसमें होता क्या है, तो ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। ये किससे रोग है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। आप मेरी बातें सुनते जाइए, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बिल्कुल आपकी नोटबुक में जो है वो लिखते जाइए। एक क्वेश्चन पर मैं आपको उसकी साइड की चार चीजें और बता दूंगा। तो देखिए यहां पे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो मैलिग्नेंट मलेरिया। ये 3 स्टेज का मलेरिया है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को जो है वो क्या कर देता है, हैक कर देता है, जिससे कितनी बार जो है व्यक्ति कोमा में चला जाता है। चलिए तो आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो जापानी इंसेफ्लाइटिस कारक है ये विषाणु है, यानी वायरस से होने वाली बीमारी। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है ये किससे होता है, विषाणु से होने वाला रोग है। ये जो है वो शरीर के किस हिस्से को जो है वो संक्रमित करता है। अब मैं यहां पर जो वायरस है उसका नाम आपको बता दूं कि यहां पर जो वायरस है उस वायरस का नाम है फ्लेवी वायरस। वायरस का जो नाम है वो क्या है, फ्लेवी वायरस। और फ्लेवी वायरस जो है उसकी वजह से जो है ये हमें बीमारी होती है, और इसमें जो है मस्तिष्क का, इसमें जो है वो मस्तिष्क जो है उसको संक्रमित करता है। तो ये मस्तिष्क में होने वाली बीमारी है जापानी इंसेफ्लाइटिस, इसमें भी तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG जो है वो क्या है। तो देखिए इसका मेन क्या है, तो यहां पर आप ध्यान रखिए, CNG की फुल फॉर्म है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और दूसरा है LPG। LPG जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यहां पर जो CNG है इसका मुख्य घटक जो है वो क्या होता है, मिथेन होता है। क्या होता है, मिथेन होता है। और जो LPG है इसका जो मुख्य घटक होता है वो प्रोपेन ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन होता है, प्लस आइसोब्यूटेन होता है। तो ये दो क्वेश्चन आप ध्यान रखना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मुख्य घटक जो है वो क्या है, मिथेन है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दोनों में से ये गैस हल्की होती है और ये भारी होती है, इसीलिए इसका उपयोग जो है वो रसोई गैस में और इसका उपयोग जो है वो वाहनों में किया जाता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। स्टेथोस्कोप जो है वो आपने जनरली किसी भी डॉक्टर में देखा होगा, जो उनके जो है नेक में यानी गर्दन में लटका हुआ होता है, जिसमें वो दोनों सिरों को अपने कान में डाल के और फिर चेक करता है हमारी बीट्स को, कि चाहे हृदय की धड़कन हो चाहे जो है वो चेक करता है कि किस तरह से जो है, तो ये जो इसमें होने वाली जो आवाज है, जो दिल की धड़कन है, वो ध्वनि डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है, तो उसका आंसर क्या होगा, ध्वनि के बहुपरावर्तन। तो ध्वनि के बहुपरावर्तन से जो है वो रोगी के दिल में जो है वो धड़कन की ध्वनि जो है वो कहां पहुंचती है, स्टेथोस्कोप। तो यहां पर एक क्वेश्चन और आएगा कि स्टेथोस्कोप जो है वो दिल की धड़कन को मापने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है और उसका गर्भस्थ शिशु है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि आरएच होता क्या है। तो हमारा जो रक्त है उस रक्त में एक फैक्टर पाया जाता है जिसको कहते हैं हम आरएच फैक्टर, और इस आरएच फैक्टर की जो खोज है वो करी थी वीनर ने। किसने खोज करी थी इसकी, वीनर ने करी थी। किस बंदर पे करी थी, तो इस बंदर का नाम था मकाका रिसस नामक बंदर पर। किस बंदर पर करी थी, मकाका रिसस नामक बंदर पर। अब जनरली आरएच फैक्टर में होता क्या है, तो हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो होते हैं ए बी, ए बी और ओ। अब यहां पर देखो ए में भी दो है, एक ए पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो अब ये जो रक्त समूह है, इन रक्त समूह की खोज किसने की, तो आपको नाम पता होना चाहिए, इनकी खोज करी कॉल्ड लैंडस्टीनर ने। किसने करी, कॉल्ड लैंडस्टीनर। और एक नाम इसमें क्या जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा डिकोस्टेलो। एक नाम इसमें क्या यूज हो जाएगा, डिकोस्टेलो। ठीक है, अब यहां पर ए बी, ए बी और ओ। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जो पता करते हैं, ये हम पता करते हैं किसके माध्यम से, आरएच फैक्टर के माध्यम से। अब जिसके में, जिसके आरबीसी में, जिसके आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स जो है, इसमें अगर आरएच फैक्टर है तो वह पॉजिटिव होगा, और आरएच फैक्टर अगर नहीं है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब नेगेटिव, अगर महिला जो है वो नेगेटिव है और बच्चा जो है वो अगर आरएच पॉजिटिव है, तो यहां पर एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं हम इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। और ये इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस जो है ये एक तरह की बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर इरिथ्रो का मतलब होता है हमारी आरबीसी, आरबीसी जो है वो क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। तो यहां पर जो है माता जो है वो क्या होगी, आरएच हीन नेगेटिव, और लड़का जो होगा वो क्या होगा, आरएच पॉजिटिव, यानी कि सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव। तो ऐसे केस में क्या होता है, पहला बच्चा तो हो जाता है लेकिन दूसरा बच्चा जो है वो इस केस की वजह से जो है वो मर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये इसका सीधा आंसर जो है वो क्या है, डाउन सिंड्रोम। इसका आंसर क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। और ये होता क्यों है, तो इसमें क्या होता है, 21वां जो गुणसूत्र होता है, उस 21वें गुणसूत्र की जो है वो क्या बन जाती है, फोटोकॉपी हो जाती है, और उस फोटोकॉपी की वजह से जो है मनुष्य में जो है, यानी होने वाली संतान में 46 की जगह जो है वो कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इससे होने वाले बच्चे जो है वो मंद बुद्धि होते हैं, उनके जो शरीर जो है वो थोड़ा सा चपटा होता है, तो इस आधार पर उनमें जो गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, यानी कि 21वें गुणसूत्र की वजह से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी भी कहते हैं। तो 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होने वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है। अब यहां से पूछा है कि आपके को निम्न में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि जूनोटिक होता क्या है। तो जूनोटिक का मतलब ये है कि जो सीधा जो है मनुष्य से ना फैलकर जानवरों से फैलता है, मनुष्य से ना फैलकर किससे फैलता है, जानवरों से फैलता है, उसको हम कौन सा रोग कहते हैं, जूनोटिक रोग कहते हैं। और इस जूनोटिक रोग में देखिए, सीधा सीधा जो है यहाँ पर रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने की वजह से होता है, प्लेग चूहे से होता है, SARS जो है ये आपको इसकी अगर फुल फॉर्म देखनी, तो ये हमारे लिए अभी जो 2020 में जो त्रासदी लेके आया वो है कोरोना। और SARS जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सीवियर रेस्पिरेटरी एक्यूट सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी और सिंड्रोम। ठीक है, तो ये तीन बीमारियां जो है वो जूनोटिक है, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस जो है, जो एक कवक से होने वाला रोग है, ये जो है जूनोटिक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यूकोरमाइकोसिस। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए आप, किससे पूछे गए हैं और डिजीज जो और भेज रहे हैं,
अब यहां पर डिजीज की अगर मैं बात करूं तो रोग वाले टॉपिक से जो है वो आपको तीन या चार टॉपिक मिल रहे हैं, तो डिजीज वाला आपको कंप्लीट करना है। संक्रामक रोग क्या है, असंक्रामक रोग है, कौन कौन सी वायरस वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरिया वाली बीमारियां कौन सी है, प्रोटोजोआ वाली बीमारियां कौन सी है, तो ये सब आप अच्छे से कंप्लीट करके जाना। बाकी जो भी ये तीन चार क्लासेस आपको आज अभी मिलने वाली है इस चैनल पर, वो सारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। चलिए, निम्न में से कौन से विटामिन्स जो हैं वो वसा में घुलनशील हैं? तो देखिए विटामिन्स की अगर मैं बात करूं तो विटामिन्स जो हैं वो छह हैं टोटल, ए बी सी डी ई और के। इन छह विटामिन्स में से दो विटामिन्स ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी वाटर में सॉल्यूबल्स होते हैं, और बाकी के जो चार हैं वो फैट में होते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि वसा में घुलनशील है, तो देखिए वसा में कौन कौन से घुलनशील है, तो देखिए इसमें सी आ रहा है तो ये गलत है, इसमें सी सी आ रहा है ये गलत है, इसमें बी आ रहा है, तो इसमें आंसर क्या जाएगा, ए व डी जो है वो किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसेट या जी सेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है नहीं लिया जाता है, तो देखिए उपग्रह जो होते हैं सैटेलाइट जिनको हम बोलते हैं, ये सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी में चारों तरफ जो है वो कक्षाओं में रहते हैं, ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और मौसम संबंधी जानकारी देते हैं, डेटा संबंधी जानकारी देते हैं, नेटवर्क संबंधी जानकारी देते हैं, जैसे इंग्लैंड वाले मैच को हम इंडिया में आराम से देख लेते हैं, तो ये सारी रेडियो जैसी चीजें जो चलाता है, तो ये अलग अलग जो है उसमें फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज किया जाता है। फ्रिक्वेंसी बैंड की अगर बात करें तो किलो हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ये सारे जो है वो फ्रिक्वेंसी बैंड है। तो यहाँ पर जो है के जो है के सी के यू एम एफ जो है ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड है, और इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा फ्रिक्वेंसी बैंड जो है वो इसमें उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि के जो है ये 26 से 40 गीगा हर्ट्ज तक उपयोग किया जाता है, 26 से 40 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, सी जो है इसको 4 से 8 गीगा हर्ट्ज तक उपयोग किया जाता है, के यू जो है इसको 16 से 20 हर्ट्ज तक यूज किया जाता है, एम एफ जो है वो मिड आवृत्ति का जो है वो बैंड है, तो इसलिए यहां पर जो है एम एफ का यूज जो है वो नहीं किया जाता है। चलिए आगे जो है, अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन जो थे वो थे अपने साइंस के, अब अपन आ गए हैं क्वेश्चन मैथ्स पे। अब यहाँ पे सीधा एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट। अगर पाई चार्ट का जब भी आपको क्वेश्चन आए तो पाई चार्ट में आप ये मान के चलो कि सीधे सीधे आपको नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कोई माथापोड़ी नहीं है, यानी ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके का यूज करके और आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पर दे रखा है आपको कि होने वाले व्यय का प्रतिशत दे रखा है, क्वेश्चन क्या है देखिए, पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान 22,950 रुपए है, रॉयल्टी का जो भुगतान है वो कितना है 22,950 रुपए है, तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय ज्ञात करो। तो देखिए रॉयल्टी जो है वो कितना परसेंट बता रहा है, 15%, यानी 15% जो है वो हमारा किसके बराबर है, 22,950 के बराबर है, और हमें पूछा जा रहा है प्रिंटिंग पर होने वाला है, यानी 25% का हमको क्या करना है यहाँ पर पता लगाना, तो कुछ भी नहीं करना। देखिए यदि 15% 22,950 के लिए है तो यहाँ से 1% निकाल लो, तो 22,950 में अगर हम जो है 15 का भाग दे देंगे तो ये हमारा 1% आ जाएगा, और 1% कैसे आएगा, 15 को इसमें काटा तो देखिए 15 एकम 15 सात बच गया, 7 और 9 79 में फिर 15 से किया तो 15.75 पीछे बच गया, 4 4 और 5 45 45 में 15 बाद 3, यानी कि 1% बराबर कितना आ गया 1530, 1% बराबर 1530 है तो 100% बराबर कितना आ गया, या तो ऐसे कर लीजिए 1% बराबर 1530 है तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 153,000। ठीक है, या तो आप ऐसे ज्ञात कर लीजिए, या फिर आपको पता है कि 1% बराबर कितना है 1530, तो 1% बराबर 1530 है तो 25 को गुणा कर लीजिए, तो 25% को आप किससे गुणा कर लीजिए 1530 से, दोनों ही तरह से आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो देखिए 25 को 0 से किया 0, 25 को 3 से किया 75, हासिल किया 7, 25 पंजे 125 और 7 132, 2 13 और 25 एकम 25 और 13 38, तो आंसर क्या आ गया 38,250 आंसर आ गया। तो डिपेंड जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, देखिए कितना इजी सवाल था, कुछ भी नहीं करना है, 15% बराबर 22,950 है, 1% निकाला, 1% अगर 1530 है तो 25% कितना होगा, 25% को 1530 से गुणा कर लीजिए, आंसर आ गया। बाकी 100% ये होगा, इसका भी आप 25% निकालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 38,250। ठीक है, क्वेश्चंस को ऐसे करना है कि बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 56 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2 3 4 और 6 से विभाज्य है का समांतर माध्य क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 3 4 और 6 का हमको जो है एलसीएम निकालना है, और एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो 2 1 3 2 और 3, फिर 2 से भाग देंगे 1 3 1 और 3, फिर यहां से 3 का भाग देंगे 1 1 1 और 1, तो एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे 3 दुना
छह दुना 12, तो यहां पर एलसीएम क्या आ गया हमारे लिए, 12 जो है वो इसका क्या आ गया हमारे लिए, एलसीएम आ गया। अब समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, एन एन प्लस वन अपॉन टू, एन एन प्लस वन अपॉन टू, और यहां पर एन बराबर क्या लेना है, 12 लेना है, तो 12 प्लस एक 13 बटा दो, 12 इंटू 13 बटा दो, 12 को 13 से गुणा किया, तो देखिए 12 को 13 से गुणा करेंगे अपन, तो 36, 6 हासिल का 3, 12 एकम 12 और 3 15, 15 में 2 का भाग दिया तो ये आ जाएगा आपका 7 और ये 8, तो 78 आपका इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य है का समांतर माध्य क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इनका जो है एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद जो वैल्यू आती है उसको एन वाले इस फॉर्मूले में रख के इसका आंसर निकालना है। दिए गए चित्र में आयत और वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है वर्ग जो है उसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, आयत जो है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आयत और वर्गों की कुल संख्या निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये पूरा 5, ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाला 6, फिर ये वाला 7, फिर ये वाला 8 और ये वाला 9 और ये पूरा कितना हो गया 10, फिर उसके बाद में ये वाला देखिए 11 और ये वाला देखिए 12, तो 12 तो है इसके अंदर क्या आ गए आपके वर्ग आ गए। अब आयत निकालने हैं, तो देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये क्या हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 21। तो हमें क्या करना है, आयत और वर्ग का जो है वो मेल निकालना है, वर्ग ये है और आयत ये है। चलिए एक 6 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है, तो 6 तो लड़कियां हैं आपके सामने, 6 जो है वो क्या है गर्ल्स हैं, और 4 जो है वो आपके सामने क्या है बॉयज हैं, ठीक है, कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है, जबकि उसमें कम से कम एक लड़की जरूर होनी चाहिए, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का सवाल है, पी एंड सी का सवाल है, और पी एंड सी के सवाल को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, फैक्टोरियल पी अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल, फॉर्मूला जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा। अब इसके अपन सोल्व करते हैं, तो पहले इसको समझो आप, ये क्या कह रहा है कि 6 लड़कियां हैं, 4 लड़के, 6 लड़कियां और 4 लड़कों के समूह में 4 बच्चों का चयन करना है, इसमें अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जाए, जबकि उसमें कम से कम एक लड़की है, तो देखिए आप 6 लड़की ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो या 1 ले सकते हो, यानी एक लड़की 3 लड़के, 4 टोटल करने हैं, एक लड़की 3 लड़के हो सकते हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के हो सकते हैं, 3 लड़कियां 1 लड़का हो सकता है, 4 लड़कियां भी हो सकती है, तो इसी स्तर पर जो है आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में जो है वो क्या करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसी को बहुत सारी जगह पे आप ऐसे भी देखोगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए हम इसकी कितनी स्थितियां पता कर सकते हैं, तो अभी जो मैंने आपको समझाया उस आधार पर इसकी जो स्थितियां देखेंगे अपन, तो क्या देखेंगे, देखिए तो सबसे पहले देखिए 6C4 प्लस 6C3 इंटू 6C4 प्लस 6C3 इंटू 4C1 4C1, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर चारों लड़कियां हैं, यहां पर 3 लड़कियां और 1 लड़का है, अब अपन आगे क्या करेंगे, 6C2 यानी कि 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, प्लस क्या हो जाएगा 1 लड़की, 6C1 इंटू 4C3, ठीक है, तो यहां पर 1 लड़की और क्या हो जाएंगे 3 लड़के हो जाएंगे। अब इसको अलग अलग को सोल्व करना है, तो 6C4 को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 इंटू 4C1 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 प्लस ये इसका हो गया। अब इसका निकालेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 प्लस इसका निकालेंगे अपन, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3, ये आपके सामने पूरा ओपन हो जाएगा,
कुछ भी नहीं करना है आपको, इस फॉर्म में लिखना है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब इसको अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, इसको मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। देखो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, ऊपर तो आ जाएगा फैक्टोरियल सिक्स, यानी कि सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, इस तरह से इसको ओपन करते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल फोर को मैं कैसे, ये मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं कि कैसे लिखते हैं। फैक्टोरियल फोर को लिखेंगे फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, और साथ में फैक्टोरियल सिक्स माइनस फोर यानी फैक्टोरियल टू इंटू टू इंटू वन। अब आप इसको देखिए, ये सीधा का सीधा यहां से कैंसिल हो जाएगा और दो से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पांच दिया पंद्रह, ये कितना जाएगा आपके लिए, पंद्रह आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है अपन इसको सोल्व करेंगे। देखिए फैक्टोरियल थ्री से फैक्टोरियल थ्री कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, छह पांच और चार बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास में, तीन और दो, तो छह पांच चार, छह के पांच चौक बीस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बीस। ठीक है, और इसका आंसर क्या जाएगा, देखिए तीन कट जाएगा, तीन में से तीन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल चार बचेगा। ठीक है, तो बीस इंटू चार प्लस, फिर यहां पर देखिए आप ये वाला सोल्व कर लिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए छह में से दो गए चार, चार में से चार कैंसिल हो जाएगा, छह और पांच पंजे तीस, तीस में वापिस हमने दो का भाग दिया, तो ये बच गया अपने लिए वापिस से पंद्रह। ठीक है, और फोर सी टू में देखिए दो से दो कैंसिल हो जाएगा, चार तीन बारह, बारह में दो गया तो छह, पंद्रह इंटू छह प्लस, तीन सोल्व कर लिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अब इसमें देखिए छह, छह में से पांच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल छह बचेगा, कितना बचेगा, छह, और यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए चार में से तीन गया तो एक, तीन से तीन कैंसिल, यहाँ बच गया चार। इन सबको सोल्व करेंगे अपन तो देखिए पंद्रह प्लस अस्सी प्लस पंद्रह छक्की नब्बे और प्लस छह चौक चौबीस। ठीक है, तो पंद्रह और नब्बे अस्सी, एक सौ सत्तर, एक सौ सत्तर और ये हो गया आपका उनचालीस, एक सौ सत्तर और उनचालीस आंसर कितना आ गया आपका, दो सौ नौ आ गया। चलिए, तो ये एन पी और सी का क्वेश्चन हो गया। कुछ भी नहीं करना है आपको, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाना है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब घड़ी सुबह के सात बज के पैंतालीस मिनट दिखाती है, जब घड़ी सुबह के जो है वो क्या दिखाती है, सात बजकर पैंतालीस मिनट, तो देखिए ये सात है, ये आठ है और ये नौ है, तो सात बज के पैंतालीस मिनट का मतलब जो है वो क्या हो गया, ये घंटे की जो सुई है वो समथिंग आठ के करीब है, ये घंटे की सुई हो जाएगी और ये मिनट की सुई हो जाएगी, जो हमने ब्लैक से बताई है। तो ये कह रहा है कि उस समय ये वाली मिनट की जो सुई है ये क्या दिखा रहा है, पूर्व दिशा दिखा रहा है, तो तीन घंटे बाद, तो देखिए तीन घंटे बाद क्या होगा, तो तीन घंटे बाद टाइम क्या हो जाएगा, आठ नौ दस, दस बज के पैंतालीस मिनट हो जाएंगे, दस बज के पैंतालीस मिनट का मतलब क्या हो जाएगा कि जो घंटे की जो सुई है, यहां से मान लो ये दस है और ये ग्यारह है, तो दस बज के पैंतालीस मिनट, दस बज के पैंतालीस मिनट, तो घंटे की जो सुई है वो तो समथिंग यहां हो जाएगी, ये रेड से बना देता हूं मैं, और मिनट की जो सुई है वो यहां आ जाएगी, तो घंटे की सुई क्या दिखा रही है, तो देखिए ये पूर्व है तो ये क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व और ये दक्षिण हो जाएगा, तो ये दिशा क्या बताएगी आपकी, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण बताएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दो हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग की सारी क्लासेस जो है इस पर है, आप उनको देखिए और चीजें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएगी। एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है। अब देखिए यहां पर L बराबर आपको दे रखा है 12 मीटर और बेस वृत्त आपको दे रखी है 6 मीटर और ऊंचाई जो है वो आपको, हाइट जो दे रखी है वो आपको दे रखी है यहां पर 4 मीटर। इसमें दो दरवाजे हैं, दो इंटू एक के दो खिड़कियां हैं, 1.5 इंटू एक की दीवारों पर रंग करवाने की दर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो दीवारों है तो रंग करवाने का कुल व्यय ज्ञात करो। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दो इंटू हाइट, टू इंटू हाइट, एल प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए दो इंटू, दो इंटू चार और लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है, बारह प्लस छ, और बारह और छह कितना हो गया आपका, अठारह हो गया। 18 को हमने गुणा किया 8 से, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 18, 18 को 8 से गुणा किया तो ये समथिंग आपके सामने कितना जाएगा, 18 18 8 जा 144, ये कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब इसमें से हमको क्या करना है, माइनस क्या करना है, तो देखिए 2 इंटू 1 मीटर की दो खिड़कियां हैं, सॉरी दो दरवाजे हैं, और 1.5 इंटू 1 की जो है वो दो खिड़कियां हैं, तो देखिए एक खड़का लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई 2 इंटू 1 बराबर 2, इसका मतलब 4 जो 4 मीटर तो दरवाजों का हो गया, और 1.5 को हमने गुणा किया किससे, एक से, तो इस फिर इसको दो से, खिड़िया कितनी है दो है, तो 3 मीटर खिड़कों का होगा, एक दरवाजे का दो है तो 2 इंटू 1 दो, तो दो दरवाजों का 4, एक खिड़की का 1.5 है तो दो खिड़कियों का 3, 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया।
ये 60 मीटर आप इसमें से माइनस कर लो तो 144 में से अगर अपन ने 144 में से जो है वो मैंने क्या कर लिया 7 माइनस कर लिया तो पीछे कितना बचा आपका 137 मीटर और 137 मीटर को आप किससे गुणा कर लीजिए 15 से तो 137 को आपने 15 से गुणा किया तो 15 सात 105 हासिल का 10 15 45 और 10 55 हासिल का 5 15 एकम 15 और 5 20 तो आंसर क्या आ गया आपका 2055 रुपए। आंसर क्या आ गया आपका 2055 रुपए। चलिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ना इसमें मैं आपको तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप एटलीस्ट जिन्होंने साइंस मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल कंप्लीट नहीं किया ना उनके लिए ये क्लासेस वरदान है। मैं कह रहा हूँ आप ट्रस्ट करके देखिए अगर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मैं वापस आरएसएस एग्जाम होगा तो उसकी साइंस मैथ्स रीजनिंग आपके सामने लेके आऊंगा लेकिन आप देखना जितने क्वेश्चंस मैं आप कर रहा हूं उसी बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कैसे आपको जो है ऑप्शंस कट करने हैं और कैसे उसका आंसर निकालना है। अब यहां पर देखिए तीन उम्मीदवार है ए बी और सी एक चुनाव में जो है वो आपस में लड़े तो ए जो है वो बी से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है ए जो है वो सी को 18,000 वोटों से हराता है। यदि ये ज्ञात हो कि बी सी से 5% वो अधिक प्राप्त करता है तो मतदाता सूची पर अंकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि मतदाता सूची के 90% मतदाताओं ने वोट जो है वो दिए हैं और कोई भी वोट जो है वो अवैध नहीं थे। कुछ भी नहीं करना है बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं आपको ये कहूं कि 100 रुपए को बांटना है तो 100 रुपए को हमने ऐसे बांटा कि एक को जो है वो 50% ज्यादा मिला एक और बाकी के जो दो है उसमें 5% का अंतर है तो अपन यहां पे मान लेते हैं कि बी को एक्स वोट मिले हैं। बी को यदि एक्स प्रतिशत वोट मिले हैं बी को अगर एक्स मिले हैं और उसे 50% उनको ज्यादा मिले हैं तो एक्स का 50% कितना होगा एक्स बाय टू तो इसका मतलब 1.5x वोट जो है वो किसको मिल गए हैं यहां पर ए को। बी को कितने मिल गए हैं एक्स प्रतिशत ठीक है और सी और बी में कितने का फर्क है 5 का बी सी से 5% अधिक है इसका मतलब सी जो है वो कितना आ जाएगा एक्स माइनस 5 और टोटल कितना हो जाएगा ये 100 तो इसको देखिए सॉल्व करिए आप 1.5x प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 5 बराबर 100। अब इसको जोड़ लीजिए आप 1.5 में आप x जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5x 2.5x के बाद में 3.5x 3.5x माइनस 5 बराबर 100 इसको अपन सोल्व करेंगे तो 3.5x 100 प्लस माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5 तो 3.5x बराबर 105 और इसको अपन सोल्व करेंगे तो x बराबर 105 बटा 3.5 इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा देखिए पॉइंट हटाए तो 0 1050 में अपने को 35 का भाग देना है 1050 में हम 35 का भाग देंगे तो ये समथिंग कितनी बार जाएगा 30 बार देखिए 35 को 3 बार 35 एकम 35 75 30 बार तो x की वैल्यू यहां पर कितना आ गई 30। अब देखो x को जो है वो कितना वोट मिले हैं 30% वोट मिले हैं तो x को अगर 30% मिले हैं तो देखिए यहां पर a बराबर हो गया आपका 45 b बराबर हो गया आपका 30 और c बराबर हो गया 25। अब इनको काउंट कर लिए 90 आना चाहिए 5 5 10 0 4 3 7 और 2 9 1 10 ये हो गया 100% ठीक है तो इसका मतलब टोटल वोट जो थे वो कितने हो गए आपके 100,000 वोट हो गए टोटल वोट कितने हो गए आपके 100,000 वोट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपए है तो मूलधन क्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए है बहुत इजी लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और साथ में जो है वो आपको इसके फॉर्मूलेज आने चाहिए। तो अपन बात करते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 यानी कि पी आर टी अपन 100 और सीआई की अगर अपन बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो देखिए यहां पर हमें जो है वो सीधा क्या मिलेगा मिश्रधन मिलेगा और मिश्रधन जो होता है वो क्या होता है मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है यानी प्लस ब्याज होता है ठीक है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट तो सीआई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखिए पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी। माइनस पी करने का मतलब क्या होगा कि हमारे पास केवल ब्याज आ जाएगा अगर हम माइनस पी नहीं करेंगे तो हमारे पास में जो है वो कंप्लीट जो है वो आएगा जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जो है वो मिक्स होगा। अब यहां पर सबसे पहले हम जो है वो पी आर टी फाइंड कर लेते हैं तो एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100 तो पी कितना है हमारे लिए फाइंड करना है तो पी को हम एक्स मान लेते हैं आर कितना है हमारे लिए 5% तो इंटू 5 और टाइम कितना है 3 बटा 100 इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 15x बटा 100
इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे अगर अपन, तो तीन पंजे, तीनों पंजे 15 और पांच और 20, तो ये आपका जाएगा जाएगा 3x बराबर पी। ये क्या आ गया आपके लिए, SI आ गया। अब यहाँ से CI ज्ञात करेंगे, तो CI के लिए देखिए क्या होगा, हमने क्या माना, x माना है, तो x इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा x, यहाँ पे LCM लेंगे तो 105 बटा 100 और 105 बटा 100 जो है इसकी पावर 3 माइनस x। 105 को 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, 21 की घात 3 मतलब 21 इंटू 21 आपको इतना सा याद होना चाहिए। ये कितना होगा 9261 बटा 20 का कितना होगा 8000, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में आ जाएगा 9261 x बटा 8000 माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे अगर अपन हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 8000 एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 9261x माइनस 8000 x, ठीक है। 8000 एलसीएम आ जाएगा, 8000 एलसीएम में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8000 x आ जाएगा, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपके लिए कितना जाएगा, तो 8000 और 9261 तो ये 1261x बटा 8000 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया CI। अब यहाँ पर SI और CI को माइनस करने पर कितना आंसर आ रहा है, 183 आ रहा है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखिए 1261 x बटा 8000 माइनस यहाँ पे क्या जाएगा आपका 3x बटा 20 इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 183। अब आपको इसको सॉल्व करना है, अब इसको आपको वही है 8000 और 20 का आपको क्या निकालना है, यहाँ पर LCM निकालना है। 8000 और 20 का LCM आप निकालेंगे तो ये सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। तो 8000 और 20 का आपको क्या निकालना है, यहाँ पर LCM निकालना है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस है, वहां पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो 8000 और 20 का LCM सीधा सीधा आपको क्या मिलेगा, 8000 मिलेगा, इसमें इसका भाग देंगे तो 1261। ये आप ध्यान रखना, मैथ्स में जब भी बड़ी संख्या आती है तो वही उसका LCM होता है। और 20 का भाग आप 8000 में देंगे तो 20 का भाग 8000 देने पर ये 400 आएगा, 400 को 3 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 1200, ठीक है। और बराबर ये कितना आ जाएगा 183। इसको आप सॉल्व करेंगे, 1261 में से 1200 गए तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 61x बटा 8000 बराबर 183। अब यहां से वैल्यू निकाल दीजिए, x बराबर 183 इंटू 8000 बटा 61। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 61 को आपने इसे काटा तो 6 3 18 और 1 3 3, तो ये तीन बार कट गया, 3 को 8 से गुणा किया तो कितना आ गया 24000। तो यहां पर आपका x का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 24000 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को 3 बार फेंका जा रहा है, तो आपको पता है एक पासे में 6 अंक होते हैं, तो 6 × 6 × 6 तीन बार फेंका जा रहा है, मतलब टोटल प्रतिदर्श समष्टि कितनी आ सकती है 216, ठीक है। यानी कि फैक्टोरियल 6 × 6 × 6 आपको पता है एक पासे को जो अपन कितनी बार फेंक रहे, 3 बार फेंक रहे, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 6 फिर दूसरी बार में भी 6 फिर तीसरी बार 6 216। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक बार प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या, तो आपको यहाँ पे NC3 फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला आपके लिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 6 में से 3 गया तो फैक्टोरियल 6 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1 3 × 2 × 1। तो देखिए 3 × 2 × 1 से ये कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6 6 × 6 = 5 कितना आ गया 20 आ गया। यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 20 और टोटल प्रतिदर्श समष्टि 216, तो 20 बटा 216। इसको हम काटेंगे तो देखिए किससे कट जाएगा, 4 से 4 से काटेंगे तो 5 और इसको 4 से काटा तो 4 × 4 = 20 और 4 × 4 = 16, 5/54 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 25, 9 और 5 के अनुपात में, यदि थैली में कुल धन 2460 रुपए है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो कुछ भी नहीं करना है, देखिए एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे था, 25 पैसे के जो 25:9:5 में है, यानी कि 25, 9 और 5 में अनुपात दे रखा है, थैली में कुल धन दे रखा है आप 2460 रुपए, यदि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या अपने को क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो देखिए आप जो है यहाँ पर लिखिए, या मान लो मान देखिए 25 यानी 1 रुपया है तो ये 25x अनुपात, 9 जो है वो 50 पैसे है मतलब आधा, तो 9/2x और ये जो है वो कितना है 25 पैसा मतलब 1 रुपए में कितनी बार है 4 बार, इसमें 2 का भाग दे दिया, इसमें 4 का भाग दे दिया, ठीक है।
इसको सोल्व कर लो आप। इसको अगर आप सोल्व करोगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम दो और चार का एलसीएम बड़ी संख्या यानी कि चार आएगा, तो ये तो आ जाएगा आपके पास में 100x प्लस दो का भाग दो बार 18x, चार का भाग एक बार यानी कि 5x। सबको आपने जोड़ा तो कितना आ गया 118 और 123x बटा 4। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है आपको 50 पैसों वाला ज्ञात करना है, तो 50 पैसे का टोटल मूल्य कितना दे रखा है आपको, 2460 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए 50 पैसे सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं अपने पास में, 18x है, तो यहाँ पर 123 टोटल है, 18 ये 4 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन और आगे 123x बराबर 2460 × 4। ठीक है, 123x बराबर कितना आ गया, 2460 × 4 आ गया, और यहाँ से x बराबर अगर अपन निकालेंगे तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2460 × 4 बटा 123। ठीक है, अब 123 से जो है आप 2460 को काट लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा देखिए 123 को 2 से किया तो 246, यानी कि x का मान कितना आ गया 80 आ गया, x का मान कितना आ गया 80 आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए 18x दे रखा है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन कर लीजिए, x बराबर जो है वो क्या है 80 है, तो 18x कितना हो जाएगा 18x, तो 18 × 80 बराबर 18 × 8 = 144। ठीक है, और ये बटा 2 तो ये कितना आ गया आपके लिए 720, तो इसका आंसर कितना आ गया आपके लिए 720 आ गया। चलिए एक कथन के पश्चात देखिए, ये बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा समझना है और 101% आपका क्वेश्चन सही है और आपको इसके नंबर जो है वो मिल जाएंगे। क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम की कठोरता से पालन करना चाहिए, 101% करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नहीं, ये पहले नहीं दे रखा है, मतलब ये गलत। हाँ, ये नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से करनी चाहिए, बिल्कुल सही। हाँ, ये आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर सबसे संवेदन नियंत्रण अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। नहीं, ये सिर की सुरक्षा, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 और 3। तर्क क्या है, 2 और 3। ठीक है, ये जो है वो कथन और तर्क है, जिसका भी आप, जिसकी क्लास जो है आपको इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है ऑलरेडी, आप वो क्लास देखिए और फिर इसके बाद में इसका आंसर निकालिए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो भी आप इतना सा करिए कि ये जो क्लास है इसको कंप्लीटली देखिए, काफी सारे ऑप्शन जो है या टॉपिक जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए फिर से एक और कथन है, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, तो क्या करना चाहिए, सरकार को विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। नहीं, दूसरा, सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए, ये बिल्कुल हो सकता है। सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने के लिए परहेज कर, ये भी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सरकार जो है वो पेट्रोल पर क्या कर दे, टैक्स कम कर दे, तो केवल दूसरा जो है वो क्या है, सही है। वीरेंद्र राजेंद्र के पिता है, तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और वीरेंद्र जो है वो राजेंद्र के पिता का लड़का है, तो वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई हो गए। राजेंद्र की बुआ मंजू है, अब राजेंद्र की जो बुआ है वो मंजू, मतलब इनकी बहन जिसका नाम क्या है, मंजू, इनकी बहन का नाम क्या है, मंजू, जो राजेंद्र की भी बुआ है, वीरेंद्र की भी बुआ है। आदर्श मंजू का पति है, आदर्श जो है वो किसका पति है, मंजू का पति है। ठीक है, और प्रकाश का दामाद है। ठीक है, प्रकाश यानी कि दामाद का मतलब क्या होता है, अपनी बहन का पति। ठीक है, अब यहां पे देखिए प्रकाश जो है वो कौन है, आदर्श जो है वो प्रकाश का क्या है, दामाद है। अब यहां पूछा गया है कि प्रकाश जो है वो राजेंद्र से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए यहां पर प्रकाश जो है वो राजेंद्र से किस प्रकार संबंधित है, तो प्रकाश जो है वो राजेंद्र का क्या होगा, दादा होगा। क्या होगा, दादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दामाद का मतलब देखो, अगर ये प्रकाश जो है वो अगर राजेंद्र का पिता होता तो ये जो आदर्श है वो उसके लिए क्या होता, या तो बहनों ही होता या जिया जी होता, लेकिन दामाद किसका होगा, ससुर और दामाद, तो इसका मतलब प्रकाश जो है वो राजेंद्र का क्या है, दादा है। ठीक है, चलिए ये कोडिंग डिकोडिंग का है, टाइगर को लिखा गया है, तो देखिए डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को देखने से पहले आप ये देखिए कि देखिए यहाँ पे टाइगर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, फिर यहाँ मैरिड है, और यहाँ फिर आपसे पूछा गया है फ्रोजन का, तो देखिए आप टाइगर जो है TIGER इसको क्या लिखा गया है, QDFHS, तो देखिए सीधे देखिए आर का माइनस एक, ई का माइनस एक, जी का माइनस एक, आई का माइनस एक, टी का माइनस एक,
फिर इसमें देखिए आप SHQDL मेरिट का, तो देखिए T का माइनस वन, I का माइनस वन, R का माइनस वन, E का माइनस वन और M का माइनस वन। तो फ्रोजन में क्या होगा, तो N का माइनस वन क्या होगा M, E का माइनस वन क्या होगा D, Z का माइनस वन Y, O का माइनस वन N, R का माइनस वन Q और F का माइनस वन क्या हो जाएगा आपका E, एम डी वाई एन क्यू, एम डी वाई एन क्यू ई, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नीचे देखिए, ये तो मतलब क्या है कि फ्री के नंबर है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आयत पुरुष को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है पुरुष को, थोड़ी सी प्रैक्टिस है और मस्त वाले नंबर मिलते हैं। त्रिभुज शिक्षित को, त्रिभुज जो है वो किसको दर्शा रहा है, शिक्षित को, ठीक है। उसके बाद में व्रत शहर को, व्रत जो है वो किसको दर्शा रहा है, शहर को। और वर्ग जो है वो सरकारी कर्मचारी को, वर्ग जो है वो किसको दर्शा रहा है, सरकारी कर्मचारी को, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है, तो शिक्षित होना चाहिए और शहरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 11, सीधा सा आंसर है। चलिए, आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितने भी फीस देने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन में आप देखिए लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख, पांच लाख, दस लाख आजकल कॉमन हो चुका है। अब यहाँ पर माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है। आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं, तो देखिए सभी तो है नहीं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि सभी माता पिता जो है वो बच्चों के उत्तम विकास के लिए जो है उनकी क्या है, धुन सवार है। ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है, तो वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती है। धारणाएं देखिए, ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी है उससे वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी भी है। ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, ललिता को पुस्तकों से प्यार है, सही। अब देखिए ये कथन और कारण है, सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन, सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। बिल्कुल, सही व्यक्ति अगर है और काम कर रहा है आपके इंस्टीट्यूट के लिए, अगर फायदेमंद है, तो आपको उसको वेतन देने में कोई हिचक नहीं है। तो देखिए, गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है, बिल्कुल, अगर गलत चुना आपने आदमी चुन लिया तो वो भी आपके लिए एक दायित्व हो जाएगा। इसके लिए अपन क्या कहेंगे कि दोनों ही सही है, ए तथा आर सही है, तथा आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, तो जो बास्केटबॉल खेलता है वो क्या खेलता है, वॉलीबॉल, और जो वॉलीबॉल खेल रहा है वो बैडमिंटन भी खेल रहा है। बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है, मतलब ये और ये नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। अगर ये खिलाड़ी होता तो ये होता, ठीक है, ये लॉजिकल वे नहीं। ये सारी चीजें आपको मैंने रीजनिंग में पढ़ा रखी, और आप एक बार उन क्लासेस को देखिए। खैर अभी तो 1 तारीख को आपका एग्जाम है, लेकिन फिर भी जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो भी आप पढ़ के जाएंगे, तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ से कुछ अच्छी चीजें लेके जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से जो है वो आपको एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी को दर्शाया गया है, और आपको पूछा गया है कि आर कौन से अंक को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए, एम एन पी, पी क्यू आर, आर एस टी और टी यू वी, तो पी आर और पी आर और टी, इनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब ये नंबर बड़े तो हो नहीं सकते, छोटे ही होंगे। तो चलिए जमाते हैं इसको, कैसे इसको जो है हम जमा सकते हैं। तो देखिए, एम एन पी, तो जैसे मान लीजिए इसको 9 मान ले, इसको 3 मान ले, 1 मान ले, टोटल योग 13 होना चाहिए। तो 9, 3, 12 और 1, 13। फिर उसके बाद में अपन इसको ऐसे करेंगे तो ये हो, मान लो 1, 8 और 4, तो 1 और 8, 9, 9 और 4 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो 4, 7 और 2 हो जाएगा। अब 4, 7, 11 और 2, 13, और उसके बाद में 2, 5 और 6, 2, 5, 7 और 6 क्या हो जाएगा, 13। अब आपसे क्या पूछा गया, आर, तो आर बराबर आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए, तो आज की इस क्लास में हमने काफी सारे सवाल को सोल्व किया है, और सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं 2021 के पेपर में, वही सवाल लिए, उनको कैसे सोल्व करते हैं, तो इसी बेस पर आपको सवाल मिलेंगे, है ना। तो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस देखिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ गया तो ये आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है, आपको मेंस के लिए सफल कर सकता है, ठीक है। तो आप इन क्लासेस को देखिए, अभी आपको बैक टू बैक 2-3 क्लासेस और मिलेगी, 2018 का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 2016 का मिलेगा। आप खुद पढ़िए, लोगों तक इसको शेयर करिए। ये जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए और आपके लिए साकार होनी चाहिए, इनको आपको फायदा मिलना चाहिए। आप पढ़ के देखिए, और आपको अच्छी तरह से पता है कि पढ़ी गई चीज जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं देती, वो हमेशा पॉजिटिव देती है। तो खुश रहिए, मस्त होके आराम से तैयारी करिए, कॉन्सेंट्रेट के साथ जो है वो पढ़ते रहिए। आपका जो एग्जाम है वो 1 तारीख के लिए है, हम तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी करिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।